कन्नौज से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर तेलिया घट्टा गांव के पास नर्मदा किनारे संत सियाराम बाबा का स्थान है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए जाते हैं। करीब 100 वर्ष से भी अधिक उम्र के सियाराम बाबा ग्रामीणों के मुताबिक सुबह नर्मदा में स्नान के बाद 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक अपने आश्रम पर ही बैठकर रामायण पढ़ते हैं, जहां श्रद्धालुओं को अपने हाथों से प्रसाद भी वितरित करते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बाबा 19 वर्ष की उम्र में इस स्थान पर आए थे, तब से ही यहीं पर भगवत भजन में लीन हो गए। वे स्वयं अपने हाथों से ही भोजन बनाते हैं, 2 रोटी स्वान और गाय के लिए तथा 1 स्वयं के लिए। ग्रामीणों ने बताया कि महेश्वर बांध के चलते डूब क्षेत्र में उनके आश्रम का मुआवजा करीब 2.5 करोड़ उन्हें मिला, जिसमें से उन्होंने खरगोन के पास नांगलवाड़ी नामक स्थान पर भिलट बाबा के मंदिर पर 2 करोड़ रुपया वहां दान दिया। हमारे संवाददाता ने वहां देखा कि बाबा के यहां सिर्फ 10 रुपये भेंट के लिए जाते हैं। यदि कोई 50 रुपये चढ़ाता है तो उसे 40 रुपये शिष्यों द्वारा वापस किए जाते हैं। किसी ने 500 चढ़ाए तो उन्हें 490 रुपये वापस दिए जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बाबा के कई चमत्कार यहाँ पर देखे गए हैं। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजेश पटेल। कहाँ रहते हो? यहाँ पास में गांव है, 7-8 किलोमीटर दूर से आते हैं। और क्या पास? अच्छा, यहाँ साल भर में कितनी बार आ जाते हो? हम तो एक महीने में 2 बार राउंड लगा ही देते हैं। जब इच्छा होती है कि बाबा पास चलना है बस चले आते हैं। अच्छा, बाबा के यहाँ कहाँ कहाँ से लोग दर्शन के लिए आते हैं? बाबा के पास तो बहुत बहुत दूर से आते हैं, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, जो जहाँ अपने नाम नहीं सुने वहाँ से आते रहते हैं, दर्शन के लिए लाभ लेते हैं, लाइन में लगे रहते हैं। ये कितने वर्ष की उम्र में बाबा यहाँ आ गए थे? ये हमारे दादा वगैरह लोग बोलते हैं जो पुराने, कि 18-19 साल की से आ गए यहाँ पे, छोटी सी कम उम्र में आए। अच्छा, ये सिद्ध स्थान है? ये बहुत सिद्ध स्थान है, नर्मदा किनारे स्थान है। और जो भी कोई भगत आता है पैसे देता है, जैसे 100 रुपये, तो उसमें से 10 रुपये रखते हैं, और वो भी इकट्ठे करके जैसे कि कहीं भी नर्मदा किनारे तट बना देते हैं, नंगलवाड़ी सीकर धाम में दान कर देते हैं, ये काम है इनका। अच्छा, आए को 66 साल हो गए, इनकी उम्र 90 साल की है। अच्छा, कितने वर्षों तक इन्होंने यहाँ तपस्या की थी ऐसा सुना जाता है? 13 साल घर के नीचे एक पैर पर रामायण झूले के ऊपर बैठते रहे मौन। अच्छा, अभी भी मौन धारण करा कि बोलते हैं? वो बोलते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं। कोई रामायण भागवत गीता महाभारत का कोई प्रश्न आप पूछ लो तो आपको 15 मिनट आधा घंटा तक वो समझाएंगे। अच्छा, यहाँ काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से बाबा के दर्शन के लिए? दिन रात भीड़ बनी रहती है, 12 बज जाती है शाम को, और 5 बजे से चालू हो जाती है, लाइन लगती है। अच्छा, नर्मदा के किनारे जो घाट बना हुआ, ये गांव वालों ने या कोई किसी ने बनवाया, शासन ने? कोई शासन का अधिकार नहीं, बाबा सिर्फ बाबा 10 रुपये लेते हैं, माई नर्मदा ने दिया है उनको, उनकी भक्ति के प्रताप से तो बाबा बनाते जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोई कभी कोई आपने इतने वर्षों में बाबा के संपर्क में आया, जब से कोई ऐसा कोई चमत्कार देखा हो कि जो यहाँ पे कोई ऐसा चमत्कारी काम हुआ हो? चमत्कारी बाबा ने एक बार यज्ञ हुआ था 1960 में गौमुख में, गौधारा के उस पार, वहाँ पर यज्ञ हुआ था बड़ा भारी, तो बाबा ने अग्नि चेतन करी थी, बस ये हमको पता है, यज्ञ हुआ था बड़ा भारी यज्ञ हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।